समझ रहे थे कि शायद इतनी बड़ी फौज से वो किसी को भी शिकस्त दे देंगे, लेकिन आगे उन्हें जाफर खान का सामना करना था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे फौजी जनरल की तरह जाफर खान भी तेज दिमाग थे, बल्कि दूसरों से ज़्यादा ही समझदार थे। जाफर खान भी मंगोलों पर बिजली की तरह टूट पड़े और देखते ही देखते मंगोल ये जंग हार चुके थे। 20,000 मंगोल मारे गए और कुछ कैदी बने। मंगोलों का जासूसी निज़ाम बहुत अच्छा था। मंगोलों को खबर मिली कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी आधी फौज के साथ गुजरात में हैं, तो उन्होंने एक बार फिर हमला कर दिया। मंगोलों ने सिंध में हमला किया। इत्तेफाकन उस वक्त सिंध में जाफर खान जल्दी ही फौजियों में मुश्तमिल एक दस्ते के साथ मौजूद थे। जाफर ना ही पीछे हटा और ना ही मजीद फौजियों का इंतज़ार किया। वो मुख्तसर फौज को साथ लेकर मंगोलों पर टूट पड़े और एक बार फिर उन्हें शिकस्त दे दी। लेकिन मंगोल भी बाज नहीं आने वाले थे।